हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ये डीजे मृणाल के बारे में, जिसने बीबी के वॉइस को रोस्ट किया है। मतलब आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है कि कोई भी मुंह उठा के रोस्ट कर देता है बड़े यूट्यूबर को और फेमस होने की कोशिश करता है। तो आप सुन लीजिए क्या बोला है इसने। इंडियन की बकरी देखकर कभी कभार लगता है कि ये YouTube है या सरकारी शौचालय। तो भाई हम भी तो वही कह रहे हैं, क्यों बनाता है ऐसी वीडियो अगर तुझे ऐसा लगता है तो। बीबी की वॉइस मतलब भुवन बाम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन हक नेम में। ओहो, ये बोल के तो भाई ने बहुत बड़ा रोस्ट कर दिया, मानना पड़ेगा। ऐसा बोलने से पहले एक बार खुद की शक्ल भी देख ली होती आईने में। मतलब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा इसने पहना क्या है। वाह, क्या सीन है। वो कभी पापा बन जाता है, कभी मामा बन जाता है, कभी माँ बन जाता है, कभी चाचा बन जाता है, कभी गर्लफ्रेंड बन जाता है, कभी बॉयफ्रेंड बन जाता है। कॉस्ट्यूम चेंज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर। भाई सुन, मतलब बहन सुन मेरी बात, भुवन बाम अपनी वीडियो में कुछ भी बने तो उससे तुझे क्या, कम से कम तेरी जैसी हरकतें तो नहीं करता। और इसकी वीडियो तो इसीलिए चल रही है क्योंकि सारे रोस्टरों ने इसको रोस्ट मार रखा है। और क्या बताऊं, जो उसने वीडियो बनाया ना, वेब सीरीज देखने का लायक भी नहीं है, पूरा एकदम तत्ती जैसा है। तत्ती मतलब तत्ती का खुशबू भी इससे बहुत ही बढ़िया है। वाह, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब बंदे को टट्टी की खुशबू तक अच्छी लग रही है। वाह, और यही इसकी असलियत है। ये क्या दिन दौड़ा पेल रखा है। मतलब इस इंसान को पता नहीं ढिंडोरा से क्या चीड़ है। मतलब खुद की वीडियो चले ना तो बड़े यूट्यूबर को रोस्ट कर दो, और रोस्ट भी वो कर रहा है जिसे रोस्ट का आर नहीं पता। बताओ क्या तू, आपको ये चीज मालूम नहीं है। ये जो भुवन बाम है ना, ये ना ही लड़की ना है लड़का, ये है हिचड़ा। क्योंकि आपको भाई 20वीं सदी में रह रहा है तू। बंदा कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इस व्यक्ति के लिए कमेंट में दो शब्द तो जरूर बोलना कि ये डीजे मृणाल जो है ना, ये बॉलीवुड को छोड़ के हॉलीवुड में भी जा रहा है। डीजे मृणाल अपने आप को प्रोफेशनल, ये बॉलीवुड में कब गया भाई, सभी को नहीं पता या मुझे ही नहीं पता है। मतलब मैंने तो ऐसी शक्ल वाले इंसान को कभी नहीं देखा बॉलीवुड में। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मतलब बंदा इतने बड़े सदमे से निकल कर अपनी वेब सीरीज पे इतनी मेहनत कर रहा है और लोग कुछ भी बोल जाते हैं। मतलब ओ भुवन बाम, तुझको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुझे ना एक्टिंग थोड़ी एक्स परसेंट भी नहीं आता ना, तुम्हें शर्म है कुछ। इससे ज्यादा मैं वीडियो में कुछ नहीं बोल सकता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बाकी इसके लिए कमेंट में कुछ कहना है तो कह सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।